मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और सीधे जैसे प्रियंका ने बताया क्योंकि वो जयपुर में बीजेपी मुख्यालय के सामने खड़ी है और साफ तौर पर उन्होंने बताया कुछ ही घंटों का इंतजार है और ये जो आप पीछे कुर्सी देख रहे हैं जिस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि इस पे कौन विराजमान होगा, सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन ये सस्पेंस 3 तारीख से जब से परिणाम घोषित हुए बीजेपी के तब से उसके बाद से ही इस गद्दी पर कौन बैठेगा, 5 साल का नेतृत्व कौन संभालेगा, 2024 में इस गद्दी पर जो विराजमान होगा उसका इफेक्ट कैसा दिखेगा, वो भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी मानी जाती है जहां पर सीधे साफ तौर पर, इस बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे IGI एयरपोर्ट से होंगे रवाना। बड़ी खबर, नए सीएम पर फैसला आज होगा, जहां पर तीनों पर्यवेक्षक आज जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली से रवाना होंगे, दिल्ली से स्पेशल एयरक्राफ्ट जाएगी। सीएम पर सस्पेंस अभी भी बरकरार, लेकिन बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होनी है और लगभग 1 बजे के बाद शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक 1-to-1 यानी कि सीधे वार्तालाप होगी और शाम 4 से 5 लगभग 6 बजे तक तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि कौन मुख्यमंत्री के गद्दी पर विराजमान होगा बीजेपी की तरफ से कौन, या MP की तर्ज पर इस बार भी मध्य प्रदेश में भी खेला किया जाएगा, क्या 2 डिप्टी CM उतारे जाएंगे, कौन होगा विधानसभा अध्यक्ष, इन सब पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। लेकिन सस्पेंस बरकरार जरूर है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट पहले से डिसाइड करके बैठा है कि किसको इस बार राजस्थान में उतारना है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग और क्रोनोलॉजी जो बीजेपी की है वो टॉप मैनेजमेंट समझता है, नीचे कुछ भी बातें हो लेकिन टॉप मैनेजमेंट ये बात जानता है कि किसको बैठाना है। क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह चौंकाने वाले फैसले लिए गए, विष्णुदेव साय को जो कि आदिवासी वोट बैंक से आते हैं, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, और उस तरह उनको उतारा गया और जो कि संघ के एक संघ और पार्टी दोनों का नेतृत्व कर सकते हैं, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि मोहन यादव को उतारा गया जो कि OBC समाज से आते हैं, 3 बार से विधायक रहे हैं, संघ के ABP से जुड़े रहे हैं, संघ के एक अच्छे कार्यकर्ता माने गए। उसी तरह से हम एक अनुमान, एक अंदेशा जता सकते हैं कि हो सकता है राजस्थान में भी संघ और जो पार्टी का नेतृत्व कर सके उसको ही उतारा जाए, हो सकता है जनरल और ST SC तीनों के कॉम्बिनेशन को उतार कर इस बार मिलाकर इस बार CM और 2 डिप्टी CM बनाए जाए। तो तमाम देखिए नाम इसमें है, इस रेस में तमाम नाम शामिल है, जयपुर से लेकर दिल्ली तक सबकी धड़कनें बनी हुई है, ताबड़तोड़ बैठकें हुई, वसुंधरा राजे की बैठक हुई, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, तमाम लोग गए, लेकिन कौन होगा CM इस पर अभी भी सस्पेंस इसलिए बरकरार है क्योंकि रविवार से ये बोला जाता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है, कुछ घंटे का काउंटडाउन भी हम आपको दिखा रहे हैं News 18 राजस्थान के टीवी स्क्रीन पर कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 5 घंटे 42 मिनट 55 सेकंड हर एक पल जैसे जैसे घड़ी की सुई टिक टिक करके आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जो भी CM की रेस में शामिल था वो उसकी धड़कने बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो CM पर लगातार सस्पेंस आज खत्म होगा, नए CM पर आज फैसला लिया जाएगा, बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होगी, विधायक दल की बैठक में लगेगी मुहर, बीजेपी पर्यवेक्षक और राजनाथ सिंह आज जयपुर आएंगे, राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद पांडे जयपुर पहुंचेंगे जिनको पर्यवेक्षक के तौर पर उतारा गया, सुबह 11 बजे IGI एयरपोर्ट से रवाना होंगे और दिल्ली से स्पेशल एयरक्राफ्ट से रवाना किए जाएंगे, 11:45 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे राजनाथ सिंह और एयरपोर्ट से सीधे होटल ललित जाने का कार्यक्रम है। दोपहर 12:05 से 3:45 तक होटल ललित में रहेंगे मौजूद और 3:45 पर होटल से 4 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और 4 बजे से 6:30 बजे तक भाजपा विधायक दल की बैठक करेंगे और शाम 6:30 बजे बीजेपी ऑफिस से रवाना होंगे राजनाथ सिंह, शाम 7 बजे जयपुर हवाई अड्डे से रवाना होंगे। तो ये हमने आपको ताबड़तोड़ कार्यक्रम बताए, लेकिन सीधे आपको फिर से रुख कर लेते हैं जयपुर, जो कि बीजेपी मुख्यालय से हमारी सहयोगी प्रियंका जुड़ी हुई है, पल पल की अपडेट दे रही है, ये भी बता रही है कि क्या माहौल है। प्रियंका, ओवर टू यू, अभी वहां पर क्या माहौल है प्रियंका, और साफ तौर पे ये भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी इस बात करें तो ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि किस तरीके से इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हलचल तेज हो गई है। कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार जरा से घुमाकर कैमरा ये तस्वीरें दिखा दीजिए कि किस तरीके से इस वक्त गहमा गहमी का माहौल दिखाई दे रहा है और हलचल काफी तेज है। कुछ ही समय में यहाँ पर तीनों पर्यवेक्षक पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक होगी, नव निर्वाचित 115 विधायक बीजेपी के यहां पर कुछ ही समय में पहुंचेंगे और लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर लोग इस वक्त इकट्ठा हो गए हैं, बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ
जो सबसे बड़ा सवाल श्रुति सबके मन में है वो यही है कि अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा, और इसका जवाब कुछ ही समय में लोगों को मिलने वाला है। और इसका जवाब सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखाएंगे कि कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, क्योंकि कई नाम रेस में आगे चल रहे हैं जिनमें वसुंधरा राजे से लेकर अब सीपी जोशी का नाम भी जुड़ चुका है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, साथ ही साथ कई और ऐसे नाम हैं जो रेस में आगे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है श्रुति, जैसा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाला फैसला सामने आया है, कुछ ऐसा ही फैसला राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। ये जो सजावट की गई है ये 3 दिसंबर का है जब बीजेपी को जीत मिली थी। हालांकि कांग्रेस की ओर से दावा यह किया जा रहा था कि इस बार हम रिवाज बदल देंगे, पर कांग्रेस ऐसा कर नहीं पाई और बीजेपी सत्ता में आ चुकी है। और जैसे ही विधायक दल की बैठक शुरू होगी हम लगातार अपडेट भी आपको यहां से दिखाते रहेंगे श्रुति कि विधायक दल की बैठक में चल क्या रहा है, विधायकों के मन में क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे यहां पर विधायक पहुंचने शुरू होंगे उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। और सौरभ गृहस्थी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सीएम पद का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे तक संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि राजस्थान की बागडोर किसके पास होगी ये तय हो जाएगा। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी देरी है, क्या लगता है किस प्रकार का फॉर्मूला राजस्थान के लिए? विधायक दल की बैठक के बाद सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी और मैं सोचता हूं आज दिन में हमारे माननीय पर्यवेक्षक यहां पहुंच जाएंगे राजस्थान में। उसके बाद पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, पार्टी कार्यालय में विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद आगामी सारी प्रक्रिया तय हो जाएगी। और आप जिन्होंने ठीक कहा कि 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। एमपी में बिल्कुल नया फॉर्मूला, छत्तीसगढ़ में नया फॉर्मूला, राजस्थान के लिए भी कोई अलग का फॉर्मूला कि वही फॉर्मूला तय किया गया? देखिए ये तो शाम को 5 बजे ही पता लगेगा, आप और हमें सब साथ ही पता लगेगा। अच्छा, क्या संकेत मिले आपको ऊपर से कि विधायक को में से, निर्वाचित विधायकों में से ही कोई होगा, बाहर से आएगा, कोई सांसद होगा या कोई वो उत्तराखंड फॉर्मूला की भी चर्चा चल रही है? ये सारी चीजें विधायक दल की बैठक में सामने आएगी कि पार्टी ने क्या तय किया है और वो 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा, आपकी भूमिका को लेकर भी लगातार चर्चा है, क्योंकि जो केंद्र है उनके बारे में कहा जाता है कि संगठन में जो व्यक्ति बहुत निष्ठा से काम करता है और सरल सहज होता है उसे जो है वो जिम्मेदारी अमूमन दी जाती है। ऐसे में आपके नाम की बहुत अंदर खाने बहुत जबरदस्त चर्चा अभी फिलहाल चल रही है। मैंने कहीं सुनी नहीं, मेरा जो दायित्व था मुझे पार्टी ने दिया, मैंने प्रयास किया कि मैं ईमानदारी से उसका निर्वहन कर सकूं और मुझे, मैंने पहले दिन से कह रहा हूं उनसे, सीपी जोशी से ये सवाल करिए कि आपसे स्टेटमेंट जब पूछा गया था दिल्ली से, जब आप बाहर निकल रहे तो आपने कहा कि मैं सीएम रेस में नहीं हूं, उसके बाद भी आपके नाम की चर्चा है। देखिए अभी तो तमाम नेता जो है वो ये कहते हैं कि मैं सीएम रेस में नहीं हूं, लेकिन सीपी जी से फिर पूछ लेते हैं आपके बारे में, एंकर जो है वो सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि आप इस रेस में नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से पहले भी, पहले दिन से कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, मैं अपने बयान पर कायम हूँ। अच्छा, एक ये भी बता दीजिए कि जो भी बनता है उसे कितनी देर पहले संकेत दिए जाते हैं? पहले प्रदेश अध्यक्ष के पास संकेत किया जाता है या फिर उस व्यक्ति के पास संकेत आता है कि भाई आप तैयार हो जाइए, आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? ये उस बैठक में ही ध्यान में आएगा। अच्छा, एक और सवाल, क्या आज प्रधानमंत्री जी से आपकी बातचीत हुई, अमित शाह जी से आपकी बातचीत हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपकी बातचीत हुई? आज तो मेरी आपसे बात नहीं। और सौरभ, सीपी जोशी से ये भी पूछिए कि आज 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 चेहरे की मुस्कुराहट कुछ अलग ही बयां कर रही है, हालांकि आप आपके पास से निकल गए, लेकिन जब आपने ये बात पूछा उनसे सौरभ, तो आपने उनके एक्सप्रेशंस नोट किए, जो मुस्कुराहट थी वो अलग थी, जो चेहरे की रौनक थी वो अलग थी। हालांकि वो बोल चुके हैं कि वो सीएम रेस से नहीं, और आप बोल भी रहे हैं कि नेता तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन सौरभ अभी आप वहां पर और कौन कौन से नेता है या जो बड़े चेहरे हैं कोई और भी है सीपी जोशी के अलावा क्या वहां पर? देखिए अभी कोई नेता यहाँ पर नहीं है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अभी जो है वो बाहर आए हैं, सुबह से वो तमाम व्यवस्थाओं में किस प्रकार की व्यवस्था है उसको लेकर सक्रिय थे, चूंकि पर्यवेक्षक जो है वो आने, विधायक दल की बैठक जो है वो होनी है, तो उन तमाम तैयारियों में थे, पूजा अर्चना में भी वो लगातार व्यस्त थे, तो कह सकते हैं कि वो अभी देख सकते हैं कि आप
पूरी तरह से व्यस्त हैं और इस पूरी प्रक्रिया, चूंकि आज बहुत बड़ा दिन है उनके लिए भी, इसलिए आज से बड़ा दिन है क्योंकि ये पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि अगर राजस्थान में केंद्रीय नेतृत्व चौंकाने वाला फैसला लेता है तो सीपी जोशी जो है वो कह सकते हैं बहुत बड़े दावेदार है, और कहा जा सकता है कि सीपी जोशी जो है वो अगले मुख्यमंत्री जो है वो राजस्थान के हो सकते हैं, ये पूरी संभावनाएं जो है वो व्यक्त की जा रही है। लेकिन चूंकि बीजेपी की खास बात यह है कि बीजेपी जो है वो आलाकमान जो है वो किसी भी प्रकार की जानकारी जो है वो किसी को नहीं देता। चेहरे की मुस्कुराहट जो उनकी थी वो कुछ और ही बयां कर रही थी, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि रेस में उनका नाम भी शामिल हो चुका है और फिलहाल रेस में आगे दौड़ते हुए भी सीपी जोशी नजर आ रहे हैं। खैर, कुछ ही समय में ये तस्वीरें साफ भी हो जाएंगी कि मुख्यमंत्री आखिर बनेगा कौन, लेकिन फॉर्मूले की लगातार बात की जा रही है, तो एक बार फिर से बता दें कि मध्य प्रदेश में अलग फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया, छत्तीसगढ़ में अलग फॉर्मूला था, लेकिन फॉर्मूला बीजेपी का क्या होगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी हमेशा जानी ही जाती है चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने ही जाते हैं अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए, तो ऐसे में कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी और सिर्फ इंतजार करना होगा। कुछ ही समय में जब तीनों पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंचेंगे, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं, तो यहाँ से भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि विधायक दल की बैठक यहीं से होने वाली है और विधायकों से भी एक एक कर जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। श्रुति, बात बिल्कुल सही कही है प्रियंका, क्योंकि मध्य प्रदेश के बॉर्डर को जरूर राजस्थान टच करता है, लेकिन बीजेपी जैसा बार बार बता रही है, बीजेपी चौंकाने वाली पार्टी है, उसके डिसीजन टॉप मैनेजमेंट को ही पता रहते हैं, बाकी किसी को नहीं पता रहता है। लेकिन जो सीएम रेस में शामिल है उनके धड़कनों के साथ साथ 115 और जो विधायक है उनके अलावा उनकी भी धड़कने बढ़ी हुई, क्योंकि किसी को भी चूज और पिक किया जा सकता है। अब बात अगर सीपी जोशी की हम करें, उनके रिएक्शन की, तो आज की मुस्कुराहट वाकई कुछ अलग थी, लेकिन एक साइलेंट भी था, एक ठहराव भी था उनके एक्सप्रेशन में। इसका मतलब कि उनको डिसीजन पता चल गया है, लेकिन ऐलान तो जब टॉप मैनेजमेंट करेगा तभी पता चल पाएगा कि इस आखिर गद्दी पर विराजमान कौन होगा, जिस पर लगातार क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। लेकिन क्रोनोलॉजी और सोशल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, तो अमित शाह के उस